कैरेक्टर अपॉइंटमेंट करने वालों को जी क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रोटेस्ट है? ये देखो, सीएम महबूबा मुफ्ती कजन वाज अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन केवीआईवी। मैं नहीं कह रहा जी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। हाँ जी, मैं नहीं कहा खादा। अरूट मदनी इज आल्सो द पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट सन। पीडीपी वाइस प्रेसिडेंट का पुत्र है। तो सारे पीडीपी वाले भर्ती कर लो, नौजवान आखो घर जाओ। फिर गलांदी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने आख्या जी उसका प्रूफ के है जी। अरे बदमाशियां, गुंडागर्दी, चोरियां, डकैतियां करा है। तो चीफ सेक्रेटरी तुप्पी लब्भा है। शुक्र है चीफ सेक्रेटरी ने 2.5 लाख लोगों की लिस्ट कढ़ी बाहर। अगे आने वाला बंब जल्द फटना भी देखियो के होना है। ये मैं कढ़िया ना एक बंब, ये दूआ कढ़िया। हूँ जी गल करा मैं कढ़ा ना जी, जेड़ा काम थोड़ा दर्शाने का, मेरा काम कढ़ने का। और ये बाद अगर नहीं सुनगन तो मैं महाराज इंदे खिलाफ राजभवन चले। काठ लोग पी डी पी वेले लगे जी, उसे मुख्यमंत्री पी डी पी की मुख्यमंत्री थी। रिश्तेदार देखो जी कटिया एक गड्डू ना इंदा रिश्तेदार। फिर ये लिस्ट कोर्ट ने खारिज की, फिर एक इंक्वायरी बैठी, उसे इंक्वायरी ड्यूटी लाई साढ़े जड़े प्रेजेंट होम सैकटरी और बोर्ड गए नहीं बहर आओ दी। फिर आ दे 2.5 लाख कड्डूडे, जल्द 2.5 लाख कड्डूडे कौन कौन लोग शामिल ना, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है। ये तो रिपोर्ट आपके पास पड़ी है ना सरकार के पास, सरकार बाहर निकाले। बिल्कुल, इसके लिए तो महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट की 2.5 लाख की अगर बात की है चीफ सेक्रेटरी ने तो उनकी लिस्ट भी निकाले, बेशक चाहे इनके भी इसमें परिवार वाले थे। इसका मतलब अब तो सारा दायित्व जो है वो सरकार पर है, उनको लिस्ट निकालनी चाहिए जिसमें अच्छा, जिन्होंने बदमाशियां करी वो गए। आप ये कहना चाहते हैं जिन लोगों ने सरकार क्यों नहीं निकाल रही है इनका नाम आज आप लेके। अरे इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई साहब मुझे प्लीज कृपा करके, मैं सरकार से ही कह रहा हूँ इंक्वायरी रिपोर्ट बाहर कटो। मैं किससे कह रहा हूँ? जो इंक्वायरी रिपोर्ट कौन कौन अफसर उसके अंदर इन्वॉल्व थे जिन्होंने 8 लोगों को लगाया केवीआईबी, कभी जिंदगी के अंदर सुना आपने? कभी सुना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ डायरेक्टर भर्ती? ये महबूबा मुफ्ती कहती है मुझे बताओ नाम कौन कौन से हैं। अरे एक और कड्डा ना, वो सारी पलटन गिनती है, सारी पलटन। वो जिया तारा चंदू ने लाए हे 8, ये सब इंदे, ये बाहर आनी है के गला दे। ओ नहीं महाराज, अस बड़े साफ सुथरे, अस बड़े सुंदर, अस बड़े खूबसूरत। 2.5 लाख लोगों की लिस्ट कड्डो बाहर। अरे याद रखो मैं तुहाड़े सामने आखना प्रेस दे, लोड़ पे तो 2.5 लाख के भी कड़ी है बाहर लगे, छोड़ने वाला नहीं हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार से लोगों की उम्मीदें हैं। सरकार ने एक लिस्ट निकाली, सरकार की लिस्ट निकालने के बाद अब किन लोगों के माध्यम से हुई हमको ये देखना चाहिए कि ये लोग जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जिन्होंने नौजवानों का हक छीना, जो नौजवान ओवरेज हो गए, जो डेली वेजर। शुक्र है माता रानी का, पहले रात ही जाना तुसें फिर न्योता देना पुला पर आना तो है। बिल्कुल सर, हजारों की संख्या लेइए जाना, उत्थे एक प्रार्थना करनी, रुपया चवानी चाढ़ना। ये डेली वेजर की जी हूँ गलबात चली पी है, इसी पूरा साफ करने का नहीं सारे का कुछ पता। बिल्कुल सर, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो अपने आप को कहते हैं बड़े चरित्रवान हैं, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट करने के लिए सबके आगे हैं। कोई भी आगे एक और निकालूंगा, डबल इंजन की सरकार, उन्हें अपना सारा भर्ती करूड़िया, एक ने सारी भर्ती करूड़ी, एक ने ताऊ का बच्चा भर्ती करूड़िया, वो भी काकल बार कड़ाना।